मेरी छठी क्लास में अभी वो भी रो रही है कि पापा अभी खत्म होने वाला है, पापे का आज भी पैसा नहीं है, कहाँ से करवाए। तो इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद कीजिए। अदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज़ का सोशल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ आकिब खान। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रजौरी के ब्लॉक मंजाकोट का एक एरिया है, ठंडा पानी जो पंचायत है, हम यहां पे हैं। काफी टाइम से जो हमारे साथ ये एक जवान बैठा हुआ है, आपका नाम क्या है भाई जान? सज्जाद सज्जाद अहमद जी, अबू जी हैं, काफी सीरियस हैं। इनका यही कहना है कि 2 से 3 मंथ हो गए ये बेड के ऊपर हैं, काफी ज्यादा गरीब बंदे हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि इनका जाके इलाज करवाएं। हम आखिर इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो है क्या बात है इनको और कितने बीमार हैं, अब कब से बीमार और आपको बात क्या है? मैं पेड़ से गिर गया था, मेरी कमर फ्रैक्चर हुई है। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मेरा कुछ इलाज करवाए। गरीब में मेरे साथ 10 बंदे थे जिनको मैं एक दयाल लगा के खाना आन के रब देता था, और मैं दिन को मजदूरी करता था और शाम को लफावे में लेके आता था खाना के लिए। अब मेरे को 3 महीने हो गए, मेरी कमर बूटे से तय के टूट गई थी। अब मेरे पास पैसा नहीं है कि मेरे बच्चे देगा कि दे इलाज करवाए या कुछ करवाए। लिहाजा ये बात है कि मेरे पास अभी पैसा या कुछ नहीं, माल भी बेकरी कर दिया है, सब कुछ बेकरी कर दिया जो कुछ था। अभी मेरे पास एक ब्रेड जो है मेरे को वो खाने के लिए एक पैसा भी नहीं है मेरे पास। तो मैं बहुत गरीब हूँ, 10 बंदे थे जिनको मैं दिन भर मजदूरी करके शाम को लेके आता था खाने के लिए। अब मेरी ये अर्ज है कि मेरा कुछ न कुछ मेरी मदद कीजिए। तो मैं किसी हॉस्पिटल में, मेरे ये बच्चे थे, घर वाली है, मेरी माँ है बूढ़ी, मेरा बाप है, तो कोई सहारा नहीं है मेरे से। मेरे को कोई भाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे ये यार आपकी जो है बच्चे वो क्या करते हैं? बच्चे कुछ नहीं, गरीब हैं, छोटे छोटे बच्चे, अपने बड़े भी नहीं है, तो कुछ नहीं है। ये भी मजदूरी भी करने के काबिल नहीं है। मेरे छोटे बच्चे हैं, उतने बड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते, गरीब है ना। मेरे पास पैसा था कि मैं इनके पढ़ाई के लिए इनकी पढ़ाई करवाऊँ या कुछ करवाऊँ, गरीब था ना, ये बड़ाई कर सके ना, कोई छोटे हैं, अभी कुछ नहीं है, क्या करेंगे ये। अभी आप कैसे खाते हो? अगर 10 बंदे आप बता रहे हो घर पे, 10 बंदे कैसे, मतलब कहाँ से लाती हुई? मेरे पास लोगों ने थोड़ी बहुत ही मदद की थी पहले, तो अभी कुछ नहीं है, अभी इसी रब का सहारा है, वो तो उनको अभी कुछ नहीं है। जो लोगों ने थोड़ी बहुत ही मदद की थी, किसी ने 100-50 रुपया दिया था पहले, तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी दुकान से सौदा लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए आज बोला कि सब्जी नहीं है, तो 1 किलो आलू के लिए भी पैसा नहीं था, किसी ने नहीं दिया, तो ऐसे बैठे आप चेकअप हाँ कराने के बख्शी लिए नगर लेके, बख्शी कहाँ पे? हाँ नगर लेके गए थे तो उधर 3 महीने रहे। हमने माल भी बेकरी कर दिया तो कर्जा भी, पैसे कर्जे भी लिए थे तो नहीं, इनका इलाज नहीं चला उधर, तो पैसे ही नहीं, क्या करें? अगर श्रीनगर ले जाने थे तो पैसा ही नहीं है, क्या करें? बस में वो जो गोल्डन कार्ड होता है उस पे आपने इलाज करवाया इनका, हाँ उस पे हुआ इलाज? हाँ उस पे हुआ था तो फिर पैसे ही नहीं, क्या करें? श्रीनगर लेके जाना था इनको, तो अब ये रिक्वेस्ट है तो हमारी मदद कीजिए। बच्चे मजदूरी नहीं कर सकते, कुछ नहीं, अब माल था वो भी बेकरी कर दिया, अब बच्ची छोटी है वो पढ़ रही है, कहाँ से पैसे लाएं, क्या करें? फिर डिस्ट्रिक्ट रजौरी की जो हमारे डीसी साहब हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आप की उन उनके लिए आप क्या रिक्वेस्ट करोगे आप डीसी साहब को? सर ये है मेरी मदद कीजिए, और क्या है, मेरी मदद इसने मदद की जरूरत है मुझे। मेरी बच्ची है छोटी, वो भी पढ़ रही थी 6वीं क्लास में, अभी वो भी रो रही है कि पापा अभी खत्म होने वाला है, पापे का आज भी पैसा नहीं है, कहाँ से करवाए। तो इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद कीजिए, कहीं मेरे बच्चे बेटा लेके घर वाले इलाज के लिए कहीं श्रीनगर में जाए या कहीं ऐसे हॉस्पिटल में जाए जहाँ मेरा इलाज चले। मेरे पीछे पीठ में भी जख्म हुआ बहुत बड़ा, तो इसलिए मेरी यही अर्ज है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद कीजिए। मैं किसी हॉस्पिटल से जाकर इलाज करवाऊँ, जहाँ दवाई मिलती है महंगी दवाई मिलती है, उधर से जहाँ मेरा कोई मकसद आल हो, मेरे को दवाई काम करे। तो गोल्डन कार्ड पे भी है, जो दवाई दे अंदर से जो मिलती है, इस पे नहीं इलाज मेरा हुआ, नहीं चला, कैसे नहीं चला के बाहर दवाई लिखते हैं, ये इसकी दवाई जो है ये बाहर
मिलेगी। तो पैसा नहीं है, एक स्टिकर मिलता है 1500 का, तो वो मेरे बेटे ने खरीद के बाहर से लगवाए 3-4। तो ऐसी है मेरी। सर मेरी पेंशन भी नहीं लगी हुई, मेरी पेंशन भी लगवाना। आप ये देख सकते थे, इनका नाम क्या था? हक नवाज। हक नवाज जी जो काफी टाइम से यहाँ पे बीमार हैं, 3 मंथ का ये बता रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जोरी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये काफी सीरियस है और हमने यहाँ पे देखा भी है, ऐसे ऐसे इनके जो जख्म हुए हैं वो हम आपको बता भी नहीं सकते, काफी ज्यादा सीरियस है ये। आप लोगों से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इनका अकाउंट नंबर जो है वो मैं इस वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोगों से जितना भी हो सके, जितना आप लोग कर सकते हो, जितना आप लोग रमजान में जो ज़कात देते हो, जो सदका देते हो, वो मुझे लगता है इस इंसान जैसा कोई आपको मिलेगा नहीं, जिसको जिसके लिए फर्ज है, आप लोगों का हक बनता है। अल्लाह ताला ने आपको काफी कुछ दिया हुआ है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जितना आपसे हो सके आप इस शख्स की मदद करें। काफी दो दो इनके बच्चे भी हैं, बच्ची भी इनकी जवान है, स्टडी कर रही है अभी घर में, चार कुछ चार खाने, बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे 4 बच्चे हैं, पूरी फैमिली है इनकी यहाँ पे। इनके पापा जी हैं वो भी बीमार हैं, ये खुद भी बीमार हैं, बच्चा जो है वो भी गिरा हुआ है, उसको भी लगी हुई है, मतलब काम करने का कोई भी सिलसिला इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जोरी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस फैमिली को जो है आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई हमने कर ही दिया है, यहाँ पे जो है हाई अथॉरिटीज भेज करके इन लोगों की हेल्प की जाए। और खासतौर पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई इस वीडियो से ज्यादा शेयर करें, ये कोई फनी वीडियो नहीं है, आप लोगों ने खुशी से बेहतर यह है जो भी इस वीडियो को देख रहा है सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ जो है इस शख्स की मदद करें, और खैर अल्लाह ताला जो है आपको इससे बेहतर अता करेगा। और मुझे लगता है इस शख्स की मदद करने की इस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरत है, गोल्डन कार्ड पे भी इन्होंने जो है काम अपना इलाज करवाया है, वहां पे भी जो है शायद एक एक साल में 5 लाख की लिमिट होती है, वो भी वहां से पैसा इनका खत्म हो चुका है, लेकिन अभी जो इनको जख्म हो चुके हैं ना बैठ सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं, 3 मंथ हो चुके हैं जो है यहाँ ये बेड पर हैं, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मैं एंड पे जो है यही कहना चाहूंगा कि इनका अकाउंट नंबर जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाए जितना भी हो सके जो है आप लोग स्क्रीन शॉट करके वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वैसे जो अभी आपने अकाउंट नंबर दिया था हमें, तो ये अकाउंट नंबर बोलना जरा, कौन सा अकाउंट नंबर? 0843408081। नाम क्या आपका? सजाद अहमद। तो ब्रांच? मंजा कोट। ये मंजा कोट ब्रांच का जो अभी हमने वीडियो के ऊपर जो अकाउंट नंबर डाला हुआ है, ये कैमरा मैन से मैं गुजारिश करूंगा ये थोड़ा जूम करके आपको बताएगा, यही इसी का अकाउंट है, आप जो है इसी के ही अकाउंट पे आप जितना भी आपसे हो सकता है आप लोग जो है इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है इन्वेस्ट करके इन लोगों की आप जो है जान बचा सकते हैं। जो इनकी फैमिली मेम्बर है, अवरल जो इसके दादू जी हैं वो भी बीमार हैं, पापा जी हैं वो भी इसके इनके बीमार हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से